नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Explore the Knowledge DB में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे HTML के वेब पेज में हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइपरलिंक या लिंक एक प्रकार का टेक्स्ट होता है। जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र हमें किसी दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर लेके जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद स्क्रीन पर ब्लू कलर में बहुत सारी लिंक निकल कर आती है। ब्लू कलर के इस टेक्स्ट पर क्लिक करने से एक वेबसाइट ओपन होती है, इसे ही हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो दोस्तों, HTML में लिंक के लिए ए टैग यानी एंकर टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जिस भी टेक्स्ट या इमेज को लिंक देना हो तो उस टेक्स्ट या इमेज को एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में रखा जाता है। यहाँ पर क्लिक करने पर कौन सा पेज ओपन करना है, उसका एड्रेस या URL लिखने के लिए HREF एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। HREF का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस है और ये एंकर टैग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है जो डेस्टिनेशन एड्रेस को डिफाइन करता है। तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मेटिंग टैग पर एक वेब पेज क्रिएट किया था, उस पेज को यहाँ इस पेज से लिंक कर देते हैं। वेब पेज का नाम और एक्सटेंशन भी यूज़ करनी है .html इस तरह से। ये देखिए, हमारा हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। बाय डिफ़ॉल्ट लिंक का कलर ब्लू होता है और ये अंडरलाइन भी होता है। जब हम इसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं तो कर्सर हैंड शेप में तब्दील हो जाता है। क्लिक करते ही लिंक्ड पेज ओपन हो गया, ये देखिए। अगर अब हमें किसी वेबसाइट को लिंक करना है तो यहाँ पर हमें साइट का पूरा एड्रेस यानी कि फुल URL लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर गूगल का URL लिख देते हैं, फुल एड्रेस यानी http://www.google.com। तो ये देखिए, क्लिक करते ही google.com ओपन हो गया। तो ये तो देखा हमने कि जो लिंक्ड वेब पेज या साइट है वो सेम टैब में ही ओपन हो रहा है। अगर आपने इसको न्यू टैब में ओपन करना है तो इसके लिए टारगेट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है _blank। तो ये देखिए, लिंक्ड वेब पेज न्यू टैब में ओपन हो गया इस तरह से। इसके बाद अब बात करते हैं एंकर टैग के थर्ड एट्रीब्यूट की। तो एंकर टैग का थर्ड एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। जब हम लिंक पे होवर करेंगे यानी कि कर्सर को लिंक के ऊपर ले जाएंगे तो टाइटल में जो लिखा होगा शो हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। हाइपरलिंक को टेक्स्ट की जगह इमेजेस पर भी लगा सकते हैं। वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।